राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी। इस श्रृंखला में सुनते हैं सुप्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय की कविता वसंत आया। वसंत आया जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कू की, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से किरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गरम पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते। कल मैंने जाना कि वसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवे की पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया, कि वसंत आया, कि वसंत आया। अभी आप सुन रहे थे ये कविता, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लालचंद राम, संयोजन डॉक्टर अभय कुमार, कविता वाचन सुचित्रा गुप्ता, ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन एवं निर्माण अजीत होरो। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया।